दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 18 सितंबर 2023 सोमवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। पांच विभागों के फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट के लिए आवेदन करने का बड़ा मौका है, जल्दी से आप अप्लाई कर लीजिए। इंडियन आर्मी जल विभाग SSC SSB ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 18 सितंबर 2023 की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी भारतीय सेना में। इंडियन आर्मी HQ साउथर्न कमांड HQSC के अंतर्गत भर्ती निकली है। ग्रुप सी की यहाँ पर इसमें पोस्ट निकली है। यहाँ पर MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ मैसेंजर, MTS दफ्तरी, फासरमैन, मजदूर, कुक और MTS गार्डनर की पोस्ट निकली है। बात अगर वैकेंसी डिटेल की जाए तो आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन की PDF से ही चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 18 सितंबर 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 अक्टूबर 2023 है। सैलरी डिटेल की अगर यहाँ पर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर MTS वाशरमैन मजदूर के लिए 18,000 से 56,900 है। कुक पोस्ट के लिए 19,900 से 63,200 है प्रति माह के लिए। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। बात अगर एप्लीकेशन फीस डिटेल की जाए तो कोई भी शुल्क आपको यहां पर जमा नहीं करना होगा। रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। HQSCRecruitment.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में। SGVN के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती इसमें निकली है। जल विभाग के अंतर्गत फील्ड इंजीनियर, फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है। 153 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए भी स्टार्ट होने जा रही है आज ही से। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन करने की 18 सितंबर 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 अक्टूबर 2023 है। सेली आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से चेकआउट कर सकते हो। डिग्री PG डिग्री CA ICW MBA से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन की PDF से ही चेक कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। SGVN.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। कर्मचारी चयन आयोग HSSC के अंतर्गत भर्ती है। TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है। 104 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए भी आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 18 सितंबर 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 अक्टूबर 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 12 अक्टूबर 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। यहाँ पर 10th HTT STT बैचलर डिग्री, BTC JBT DEd DLed BLed और BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर इसमें बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए ₹150 फीस है। फीमेल हरियाणा के लिए ₹75 फीस है। SC BC WS हरियाणा के लिए ₹35 फीस है। फीमेल SC BC WS हरियाणा के लिए ₹18 फीस है। PWD EX सर्विसमैन हरियाणा को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप इसके लिए फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। HSSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब निकली है
वो निकली है सशस्त्र सीमा बल में, सशस्त्र सीमा बल SSB के अंतर्गत भर्ती है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, वैकेंसी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 1 अक्टूबर 2023 है। सैलरी डिटेल की अगर बात की जाए तो 56,100 से 177,500 है प्रति माह के लिए। डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फी जनरल OBC WS के लिए 400 है। ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंट्योर मेडिकल एग्जाम से चेन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SSBRecruit.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकले तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में, परिवहन निगम के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 417 वैकेंसी यहाँ पर इसमें टोटल निकली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है। डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है board-srp.com, इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के निके 18 सितंबर 2023 सोमवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।